रामगंगा नदी के पानी से नष्ट हुई फसल के मुआवजे को लेकर किसानों का धरना। रामगंगा नदी के पानी से नष्ट हुई फसल के मुआवजे को लेकर आज किसानों का धरना शेरकोट में सिंचाई विभाग के खिलाफ जारी रहा। देर रात तक बात न बनने पर किसानों को ऐसी ठंड में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। धरने पर वक्ताओं ने कहा कि हरेवली बैराज द्वारा पहले दीपावली पर और अब 2 दिसंबर को पोषक नहर में पानी न छोड़कर रामगंगा नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिसके चलते मुबारकपुर, हाफिजबाद व गांवड़ी आदि गांव की गेहूं व सरसों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। पहले पानी की अधिकता के कारण गन्ने की फसल नष्ट हो चुकी थी। किसानों ने फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। धरने में ब्लॉक अध्यक्ष अशोक कुमार, योगेंद्र सिंह, चंद्रभान सिंह, नरेंद्र कुमार, अमित कुमार, रूपेश कुमार आदि किसान मौजूद रहे। कि भाई हमें मिट्टी गोली दे दे और हमें घर चले जाए, लेकिन हम उस महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की यूनियन के सिपाही हैं। चाहे हम पे चाहे बुलडोजर चलवाए या तोप लगवा दे, हम धरने को छोड़कर जाने के नहीं जब तक हमारा समाधान नहीं। अब जो ये कुछ अधिकारी आए हैं, इनसे आपका कोई समाधान निकला है? इनसे हमारा कुछ भी समाधान नहीं निकला। ये तो इसीलिए आगे हैं कि भाई किसानों को बहला फुसला के इन्हें घर भेज दिया, क्योंकि हम खुशी खाम है अपना घर छोड़े जाड़े पाले में नहीं बैठे, क्योंकि हमारा अधिकार बनता है कि जो हमारी फसल को नष्ट करे भाई हम उससे भूस तो ले लें, और हम अनुशासन में ही रह के अपना धरना चलाएंगे जो 8 दिन चले। और आप यहाँ मौके पे पहुँचे हैं, तो इसका कोई समाधान निकला है? इन्हें पूरा आश्वासन दिया गया है कि पूरी मदद की जाएगी, और उच्च अधिकारियों से भी मिलना चाह रहे हैं, तो इसकी मुलाकात करेंगे। इनकी क्या क्या शिकायतें हैं कुछ आप बताएंगे? इनकी शिकायतें ये हैं कि ये तो पानी अत्यधिक आ जाने की वजह से थोड़ा पानी चला गया है, शिकायत। तो अभी जैसे हमारी किसानों से बात हुई है और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ऊंचे अधिकारियों से संतुष्ट होंगे, और अभी ये संतुष्टि नहीं बता रहे हैं, तो उसके लिए आपने किसी आगे देखिए ऐसा है कि इस कार्य क्षेत्र में जो चीज़ें हैं जो इनकी समस्या है वो हम हल कर सकते हैं, कि जो इस हमारी कार्य की चीज़ें हैं वो उच्च अधिकारियों से वार्ता के उपरांत। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनकी समस्या का समाधान जल्दी निकल ही आएगा? बहुत जल्दी निकल आएगा, वो इतना ही हमसे बाहर है ना, हम इनसे बाहर, सब लोग साथ हैं, बहुत जल्दी समाधान। थैंक यू।